भोपाल को नवाबों का शहर कहा जाता है। नवाब कौन? वही नवाब जिन्होंने वर्ष 1947 में साफ इनकार कर दिया कि हम भोपाल रियासत को भारत का हिस्सा नहीं बनाएंगे। इसके बाद कई बातें हुई तब जाकर के भोपाल देश का हिस्सा बना, वरना नवाबों ने ये ठान लिया था कि वो देश से अलग भोपाल को रखेंगे। ये भोपाल के नवाब थे। अब ऐसे नवाबों से भोपाल की पहचान की जाती है, जबकि असलियत कुछ और ही है। आप देखेंगे जब इतिहास को तो ध्यान आएगा कि भोपाल में जो नवाब हैं वो 200-250 वर्ष पुराने उनका इतिहास रहा है, लेकिन इससे पहले भी भोपाल था और यहाँ की जो धरोहर है, यहाँ की जो सभ्यता है, वो वर्षों पहले होने की बात इतिहास के अध्येता और पुरातत्ववेत्ताओं को ध्यान में आती है। जैसे मैं आपको भोपाल के असबाब की एक बात बताता हूँ। वहाँ पे एक स्तंभ रहा जो कि मौर्यकालीन था, यानी कि 2300 वर्ष पुराना लगभग, और इस पर जो लिपि लिखी हुई थी वो 1500 वर्ष पुरानी थी। अब इन दोनों बातों से आप जब कंपेयर करेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि कहाँ नवाब और कहाँ भोपाल का इतिहास। इससे अलग पहले मैंने आपको भीमकुंड के बारे में बताया था, और उसके बाद जो भोपाल बसा हुआ है वो ओम वैली पर बसा है। अब भोपाल के जो राजा हुए, राजा भोज, उनके बारे में कहा जाता है कि ओम वैली को मंदिर की जगती के रूप में बनाने का काम परमार राजा भोज ने किया। जब राजा भोज का कार्यकाल 200-250 वर्ष पुराना नहीं बल्कि कई वर्षों पुराना है, तो क्या इस जगह पर ये बात कहना उचित रहेगा कि भोपाल नवाबों का शहर है? जी नहीं, भोपाल में नवाबों को इस तरह से प्रस्तुत किया गया है, बताया जाने लगा कि असल में भोपाल नवाबों का शहर है, जबकि यहाँ का इतिहास काफ़ी पुराना है। यहाँ की शीतलदास की बगिया और कमला पार्क के बारे में आप ध्यान देंगे तो पुरातत्ववेत्ता बताते हैं कि शीतलदास की बगिया और कमला पार्क में हिंदू मंदिर होने के प्रमाण है, जो कि परमारकालीन है। तो आप सोच लीजिए, 200-250 वर्ष साल पुराना इतिहास और हजारों वर्षों पुरानी एक सभ्यता और उस समय के मंदिर ऐसे स्थान पर कैसे हो सकते हैं जहाँ पे सिर्फ नवाबों को बताया जाता है? तो मित्रों, आप भोपाल को समझने के लिए थोड़ा सा अध्ययन कीजिए, उसके बाद आप निर्धारित करें कि असल में भोपाल नवाबों का शहर है या फिर इसकी असलियत कुछ और ही है।